वो हमें उस टाइम पता नहीं थी कि बस हमारी जो है हमें जाना है मुजफ्फरपुर, वहाँ तक की सुविधा नहीं है बस की। मुजफ्फरपुर बिहार जी, वहाँ सारा कुछ बंद है, काम धंधा सारा बंद हो गया, रूम किराया देना है, गाड़ी पार्किंग देना पड़ेगा 100 रुपये रोज, तो हम कहाँ से भाई पूरा करेंगे, बच्चे का खर्चा भी है, काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया। दिल्ली में जो लोग काम कर रहे थे दिल्ली गाज़ियाबाद में, वो इस तरीके से अपने अपने वाहन से उसी वाहन पे जिस पर वो काम कर रहे थे, ठेला पे रिक्शा पे लोग निकल रहे हैं। नहीं, ये भी जो भी किया सही किया, लेकिन पहले सोचे नहीं ना हम लोग के लिए, गरीबों के लिए सोचना चाहिए ना कि हाँ भाई इनके लिए हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, इनको 2-4 दिन 5 दिन पहले करना चाहिए कि भाई आप अपना घर पे जाओ या तो कोई आपकी व्यवस्था किया जा रहा है जी। ये इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग दिल्ली में आप काम कर रहे थे दिल्ली में जो लोग काम कर रहे थे दिल्ली गाज़ियाबाद में, वो इस तरीके से अपने अपने वाहन से उसी वाहन पे जिस पर वो काम कर रहे थे, ठेला पे रिक्शा पे लोग निकल रहे हैं। और अभी भी चाहे भले ही योगी सरकार ने बसों का इंतज़ाम कर दिया हो, बसें चला दी हों, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है लोग अपने अपनी सवारी और वाहन से निकल रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, यूपी सरकार तो सही किए हैं, लेकिन हम लोग पहले निकल चुके थे इनसे पहले, ये हम लोग 1 बजे रात को निकले थे, उनके कल होकर के ये बस की सुविधा किए हैं। इससे अच्छा हम इसके पहले निकल चुके थे, अब तो बस से हम जाएंगे नहीं ना, हम तो अपना गाड़ी से जा रहे हैं। और घर वाले भी जो हेल्प कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, उनकी पैसा नहीं ले रहे, हम लोग बिहार जा रहे हैं। रास्ते में भी, क्योंकि कुछ लोग, कई सारी ऐसी वीडियो आ रही है जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, जो भी लोग जा रहे हैं, तो आपकी किसी ने मदद? कमी नहीं, खाना पीना भी लोग खिला रहे हैं, जो भी मिल रहा है वो खिला रहे हैं, कमी नहीं है हमारे रास्ता में, ना कोई प्रॉब्लम हुआ है। चार्जिंग भी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन पैसा ले नहीं रहा कोई, बोले नहीं भाई ऐसे जाओ तुम, फ्री दे रहा हूँ। तो सरकार का जो कदम है लॉकडाउन का और उसके बाद योगी सरकार का, आपको कैसा लगता है? नहीं, ये भी जो भी किया सही किया, लेकिन पहले सोचे नहीं ना हम लोग के लिए, गरीबों के लिए सोचना चाहिए ना कि हाँ भाई इनके लिए हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, इनको 2-4 दिन 5 दिन पहले करना चाहिए कि भाई आप अपना घर पे जाओ या तो कोई आपकी व्यवस्था किया जा रहा है जी। तो व्यवस्था नहीं किए और डायरेक्ट लॉकडाउन कर दिए, तो भाई तो हम लोग मरने वाले काम हो गए ना, जब हमारी काम बंद हो गए तो अब कोई उपाय नहीं ना, घर जाना पड़ेगा, या तो नमक रोटी खाए और अपने बच्चे के सामने तो रहेंगे, 2 महीने 3 महीने बंद करेंगे तो फिर क्या होगा, यही होगा ना। इससे अच्छा कि हम अपना तय कर लिए, अपने घर जाएंगे बस। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर, कहने का मतलब उनको बंद ही करना था तो अगर कर दिया चलो 21 तारीख को, तो कम से कम 2-1 दिन के लिए तो फुर्सत दे देता भाई, जितने भी पब्लिक है अपना अपना, जो बंगाल का है, बिहार का है, असम का है, कटिहार का है, वो सब तो चले जाए। अब ये बिल्कुल एकदम से सील कर दिया, आदमी क्या करेगा, आम आदमी इधर उधर भटक रहा है, भूखा मर रहा है, कहीं क्या कर रहा है सर, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, है? हम तो यही है कि सर पर कफन बांध के निकले कि भाई हमारे पास कुछ कोई रास्ता ही ना है। 24,000 रुपये जब हम ये एम्बुलेंस वाले को देंगे, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, गवर्नमेंट कोई ट्रेन ना चलवा रहा है, डिलीवरी पर्सेंट को हम किधर किधर लेके जाए, रास्ते में निकल गए हैं, बाकी ऊपर वाला है, अल्लाह मालिक है, अगर सही सलामत पहुँच जाए, आप लोग की दुआ है, बस यही बहुत है। कहाँ से आ रहे हैं आप? तुर्कमान गेट, दिल्ली छः, तुर्कमान गेट दिल्ली। क्या करते थे? ई रिक्शा ही चलाते थे। ई रिक्शा चलाते थे जी। तो अभी वहाँ से किस वक्त निकले थे? शनिवार को रात को 1 बजे। लॉकडाउन का आज 6ठा दिन है, 6 दिन हो गए बंद हुए जी। तो आपको मतलब इतने दिन क्यों रुके? आपको पहले ही निकल जाना चाहिए था। पहले इसलिए नहीं निकले थे कि 1 दिन का लॉकडाउन पता था, और उसके बाद लॉकडाउन जब लग गया तो फिर सोचना पड़ा, फिर बच्चे थे साथ में उसको लाने के लिए, फिर तो सुविधा चाहिए, फिर सरकार बोले कि चलो निकल जाओ, तो निकलते चल दिए। तो अभी आप जब निकले तो आपको बॉर्डर पे रोका नहीं पुलिस ने, प्रशासन ने, कि आप कहाँ जा रहे हो? रोका तो मतलब फिर जाने दिया ना, रोकने के बाद बोले कि जाओ। अच्छा, और जो लोग पैदल आ रहे हैं वो लोग को बस की सुविधा मिली है, वो भी लोग भी आ रहे हैं। तो आप भी बस से आ सकते थे? वो हमें उस टाइम पता नहीं थी कि बस हमारी जो है हमें जाना है मुजफ्फरपुर, वहाँ तक की सुविधा नहीं है बस की। मुजफ्फरपुर बिहार जी, इसी से जाओगे जी? तो अभी ये चार्जिंग का जब ख़त्म हो जाती है तो चार्जिंग कहाँ करोगे? चार्जिंग कर लेते हैं जहाँ घरों में, गाँव में, तो जहाँ सुविधा मिले, जहाँ सुविधा मिल जाता है वहाँ चार्जिंग कर लेते हैं। तो अभी तक तो कई दिन हो गए आपको? ये हो गए आपको, आज सोमवार है, आज सोमवार है ना।
हाँ तो बस दूसरा दिन चल रहा है। दूसरा दिन चल रहा है, कितनी बार चार्ज कर लिया आपका रिक्शा? ये रिक्शा हमने 3 बार चार्ज कर दिया। तो ये दोनों ही जो रिक्शा हैं वो बिहारी जाने हैं? बिहारी जाने हैं। अच्छा, बाकी फैमिली भी है? हाँ, फैमिली। तो वहाँ पर क्या दिक्कत हुई एकदम जब निकले क्योंकि आप रोजमर्रा के कमाने वाले लोग? हमें दिक्कत ये हुई कि जब हम यही चलाते थे हमारा काम वहाँ पे होएगा ही नहीं, अब हमें जो खाने पे भी आफत आ जाए तो हम करेंगे क्या वहाँ पे, तो इस मारे निकल गए कि चलो भाई घर चलते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन में अगर वो घर पे भी रहेंगे, क्योंकि जो मजदूरी वो कर रहे थे रोज़ और उससे वो खाना खर्चा अपना कर रहे थे, अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो उनके पास उतना धन नहीं है कि वो सामान सामग्री ले सके। तो अभी आप घर जाके करेंगे तो आप किस कैसे मतलब आपको परिवार को चलाएंगे? वो तो कुछ करना पड़ेगा, जैसे कर्जा लेना पड़ेगा, जैसे आपसे उनसे तो घर चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। हमारा तो रोजमर्रे का काम है भाई, 200 रुपये कमाने हैं तो कल को खर्च हो जाने हैं, ऐसे चलेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब जी, तो आप ही रिक्शा चलाते हैं? जी। साथ में चले थे इनके? हमारे बच्चे लोग हैं और वहाँ है कि ऐसे कि जैसे एक दिन का हुआ कि रात को 9 बजे खुल जाएगा 21 तारीख को, अब बाद में पता चला कि 31 मार्च का हो गया। यहाँ हमारे पास 4 लड़के हैं और डिलीवरी पर्सेंट से था, अब सोचे कि यहाँ रहेंगे, टाइम पूरा है, 9वां महीना चालू है, वहाँ सारा कुछ बंद है, काम धंधा सारा बंद हो गया, रूम किराया देना है, गाड़ी पार्किंग देना पड़ेगा 100 रुपये रोज़, तो हम कहाँ से भाई पूरा करेंगे, बच्चे का खर्चा भी है, काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया, और मेरे को लेके आना था घर, ट्रेन बस सारा कुछ बंद है। मान लिया अगर अभी 2 दिन से सुविधा किया है अगर गवर्नमेंट ने बस, तो फिर बस में तो हमारे डिलीवरी पर्सन से आ नहीं सकती है ना। एम्बुलेंस वाले को कहे तो वो 24,000 रुपये मांगा, हमारे पास है 24,000 रुपये कहाँ, जब 24,000 रुपये होते तो हम वहाँ ना बैठ के खाते, क्या ज़रूरत था हमें आने की? एम्बुलेंस में 24,000 रुपये 24,000 रुपये मांगा अर्बन से, वो भी कह रहा है पूरा कागज़ पक्का ले आओ। भाई हम कहाँ कहाँ जाएंगे कागज लाने, पैसे का सुविधा करेंगे इस मारे? तो ये सरकार के कदम से खुश नहीं है? खुश है, खुश तो है ही है, मगर इन सब के लिए खुश है, मगर यहाँ परेशानी जो जिसके पास है वो क्या करेगा, हमारे पास जैसे परेशानी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपना जो हमारे पास सुविधा मिल रहा है उसी सुविधे से जा रहे हैं। तो ये लोग हैं जो दिल्ली से चलकर अपने अपने वाहनों से आ रहे हैं और परेशानी सिर्फ इस बात की है, ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई कदम सरकार के द्वारा उठाना था तो कम से कम एटलीस्ट कुछ वक्त हमें देना चाहिए था, और उस वक्त के मिलते हम जो लोग थे वो अपने अपने शहर गांव जहां के वो रहने वाले वहां चले जाते और भुखमरी वाले हालात पैदा नहीं होते। इस तरीके की जो सवाल हैं वो ये लोग उठा रहे हैं। AR न्यूज़ इंडिया के लिए आकिल रज़ा की रिपोर्ट।